सबस्क्राइब करा जनवार्ता न्यूज चॅनलला, बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि लेटेस्ट न्यूज बघा. रोहिंग्या आणि बांगलादेश हे विदेशी अनाधिकृत घुसखोर अगदी सहजासहजी जम्मूत घुसखोरी करून वसाहती निर्माण करत आहेत आणि स्थानिक शासन त्यांना सर्व सुविधा पुरवत असल्याची माहिती राहुल कौल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी हे विदेशी अनधिकृत घुसखोर अगदी सहजासहजी जम्मूमध्ये येऊन वसाहती निर्माण करत आहेत. स्थानिक शासन त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवत आहे अशी धक्कादायक माहिती युथ फॉर पनून काश्मीरचे राष्ट्रीय संयोजक राहुल कौल यांनी एका आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या निमित्तानं जम्मू काश्मीर वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य, जम्मूमधील रोहिंग्या समस्या, काश्मीरी हिंदूंचे पुनर्वसन या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पनून काश्मीरचे रोहित भट, जयपूर येथील निमित्तेकम संस्थेचे अध्यक्ष जय आहुजा आणि हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हे उपस्थित होते. यावेळी कौल म्हणाले की आतंकवाद्यांच्या विरोधात एकतर्फी संघर्षविराम हा केंद्र शासनाचा निर्णय आत्मघातकी ठरलाय. यामुळे फुटीरतावाद्यांना देशाविरुद्धचं युद्ध अधिक तीव्र करण्यास अवकाश मिळतोय. संघर्षविरामाचा कोणताही परिणाम फुटीरतावाद्यांवर झालेला नाही. हे वारंवार होत असलेली आतंकवादी आक्रमणे आणि नियंत्रण रेषेवर मोठ्या प्रमाणात होत असलेला गोळीबार यातून स्पष्ट होत आहे. किस देश में आने वाला रोहिंग्या मुसलमान जो है उसके बारे में मानवाधिकार, ह्यूमैनिटी, इसकी बात होती है. हमारे ही देश में रहने वाला कश्मीर का हिंदू अपने घर वापस नहीं जा सकता है. जम्मू में रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां बस जाती है. आज कश्मीरी हिंदुओं की रिटर्न और रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी पे जब आप सरकार का 2014 का मैनिफेस्टो देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि इन चार सालों में क्या पोजीशन रही, जो ग्राफ प्रेजेंट किया गया था अभी रिसेंटली डेवलपमेंट का, उसमें वो ग्राफ पूरा शून्य स्थिति पे अटका हुआ है. कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जहाँ पर ये बताया गया, क्योंकि ये मैनिफेस्टो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था कि कश्मीरी हिंदू अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, अपने एस्पिरेशंस पे अपने घर वापस जाएगा. वहाँ पर अभी 90 के बाद जो पलायन हुआ, इसमें हम लोगों को विश्वास ना होने के कारण आप कश्मीर के अंदर एक यूनियन टेरिटरी स्टेटस कश्मीरी हिंदुओं के लिए दीजिए. आप कश्मीर के अंदर एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एक जगह दीजिए, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड, जहाँ पर सब कश्मीरी हिंदू एक साथ रह सके और वहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो और जो भी भारत का आदमी वहाँ आना चाहता है या रहना चाहता है और जो भारत के संविधान में भरोसा करता है वो वहाँ पे रह सकता है. अभी हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति में हमारे निंदापति राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने कहा कि हमें, हम चाहते हैं कि हम हुर्रियत से और पाकिस्तान से बात करें ऑन द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. किसी ने उनको ये समझाया नहीं इतने बड़े बुद्धिजीवी होके और जिस नैरेटिव को लेके वो पिछले 70 साल से भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं कि आप जिस अनसुलझे कश्मीर की बात हुर्रियत या पाकिस्तान से करने वाले हैं वो अनसुलझा इशू है कहाँ. आप तो ठोक ठोक कह रहे हैं कि कश्मीर के इशू के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, भले वो कोई भी ऐसा चीज हो, इवन आर्टिकल 370 को भी वो अनसुलझी बात नहीं कहते कि जो विच इज नॉट सॉल्व. तो आप जब बात करते हैं कि मैं हुर्रियत से बात करने को तैयार है, पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, तो आप किस मुद्दे पर बात करने को तैयार है. हम कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करते हैं इस अधिवेशन के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे किसी हुर्रियत से, किसी पाकिस्तान से बात नहीं की जाएगी. इवन पीडीपी के साथ जो आज गठबंधन है, जो इनके गले की फांस बन गया है, इनको ये तोड़ने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं. यूनिलैटरल सीज फायर की बात करिए आप, किस तरह से आप रमजान के अंदर यूनिलैटरल सीज फायर की बात करते हैं. कोई बात, कोई हम आप में से एक सवाल उठा के बात ये पूछ सकता है कि नहीं क्यों, इट्स ए इशू ऑफ सेंसिटिविटी, इट्स ए इशू ऑफ ह्यूमैनिटी, होना चाहिए. लेकिन आप कल तक यही तो बोल रहे थे, हमारे ही सारे बंधु बोल रहे थे कि किसी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता. अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो रमजान के अंदर सीज फायर क्यों होता है. हमें लगा कि 2014 में जो मोदी जी आए हमारा कुछ तो भला करके जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि राम जी का वनवास 14 साल का था, पांडवों का वनवास 12 साल का था, लेकिन हम अपने ही देश में अपने 30 साल से विस्थापित हैं और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या चाहे कोई भी सरकार हो देश की, कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है. खाली इनको जब चाहे जिसको चाहे उसको यूज़ कर रहा है.
खाली हमको एक शोकेस बनाया गया है, हम अपने ही देश में रिफ्यूजी हैं, कोई हमारी समस्याओं का निवारण नहीं कर रहा है। मोदी जी कश्मीर में जाके कभी जय हिंद नहीं कहते, कितनी बार गए वो। मोदी जी कश्मीर जा सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, लेकिन कैंपों में जम्मू के हिंदुओं के साथ नहीं मिल सकते हैं, अपने अपने हिंदू भाइयों जो रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं जम्मू में, उनके साथ नहीं मिल सकते। ये कैसा दोहरापन है मोदी जी का। पिछले 4 साल में मोदी जी ने कश्मीरी हिंदुओं के बारे में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। कश्मीर में तो कोई हिंदू रहा नहीं, अब कश्मीर से आके हम जम्मू में आ गए। अब जम्मू में भी आपने क्या किया, बाहर की कंट्री से, बांग्लादेश से, बर्मा से मुसलमान को लेके आए आप। उतना ही था तो रमेश जी ने तो कहा लाहौर, मैं तो कहता हूँ लाहौर तो भी दूर है, उनको कश्मीर ही लेके जाते, जम्मू में क्यों रखना है।